हेलो दोस्तों, आज हम लोग मटेरियल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रश्न अलग अलग टेक्निकल एग्जाम्स में पूछे गए थे। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अलौह सामग्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉन फेरस मटेरियल? ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एंड ऑल ऑफ दीज। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड अलग अलग मेटल्स हैं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, अतः ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट? ऑप्शंस है Fe2O3, FeO, CaO एंड Al2O3। यहाँ ऑप्शन ए Fe2O3 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्राइबर्स डैश से बने होते हैं? स्क्राइबर्स आर मेड ऑफ डैश। ऑप्शंस है हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील एवं ब्रॉन्ज। जिस प्रकार पेपर पर पेंसिल द्वारा लाइन खींचा जाता है, वैसे ही धातु पर लाइन खींचने के लिए हम स्क्राइबर्स का उपयोग करते हैं। अतः इसे अन्य धातुओं से कठोर होना चाहिए तथा तन्य होना चाहिए। अतः ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी सामग्री की प्रभाव शक्ति उसका डैश सूचकांक है? द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स डैश। ऑप्शन है फैटिंग स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड टफनेस। धातुओं पर जब अचानक से चोट किया जाए और ये टूटे या मुड़े नहीं, तो यह प्रॉपर्टी इसकी टफनेस कहलाती है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का अधिकतम तन्यता होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील एंड कास्ट आयरन। हम सभी को पता है कि धातुओं में कार्बन की कम मात्रा होने से धातु अधिक डक्टाइल हो जाती है, तथा ऑप्शन ए माइल्ड स्टील इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लोड हटा लिए जाने पर विरूपण के बाद सामग्री के अपने मूल अधिकार में वापस आने की शक्ति को क्या कहा जाता है? पावर ऑफ रिटर्न ऑफ मटेरियल टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन लोड इज रिमूव्ड इज नोन एज। ऑप्शंस है प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, टफनेस एंड स्टिफनेस। हम सभी पढ़ चुके हैं कि बल लगाए गए धातु से बल हटाने पर यह मूल आकार में वापस आ जाती है, जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अतः ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, लेथ बेड इज मेड ऑफ? लेथ बेड किस चीज़ से बना होता है? ऑप्शंस है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील तथा हाई एलॉय स्टील। लेथ मशीनिंग के दौरान मशीनों द्वारा कंपन को सहने के लिए कास्ट आयरन एक अच्छा चुनाव होता है, अतः ऑप्शन बी कास्ट आयरन सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, माइल्ड स्टील किस श्रेणी से संबंधित है? माइल्ड स्टील बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? ऑप्शंस है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील तथा एलॉय स्टील। लो कार्बन स्टील को ही हम माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं, अतः ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, किस धातु में लोहा कार्बन सिलिकन में कार्बन की रेंज 2% से 4% होती है? इन विच मेटल द रेंज ऑफ कार्बन इन आयरन, कार्बन एंड सिलिकन इज 2% to 4%। ऑप्शन है कास्ट आयरन, पिग आयरन, रोट आयरन एंड स्टील। हम ये जानकारी जान चुके हैं कि कास्ट आयरन में कार्बन की रेंज 2% से 4% होता है, तथा यह मुख्यतः लोहे, कार्बन तथा सिलिकन का मिश्रण होता है। अतः ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन स्टील सबसे अधिक वेल्ड करने योग्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील इज मोस्ट वेल्डेबल? ऑप्शन है 1% कार्बन स्टील, 0.3% कार्बन स्टील, 0.5% कार्बन स्टील एंड 0.15% कार्बन स्टील। कार्बन की कम मात्रा होने की वजह से स्टील में भंगुरता कम तथा तन्यता एवं आघात वर्धता अधिक हो जाती है, तथा इसे वेल्ड करना आसान होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील इज एन एलॉय ऑफ डैश। ऑप्शन है कॉपर एंड टीन, टीन एंड लीड, आयरन एंड कार्बन एंड जिंक एंड ब्रास। स्टील का मुख्य एलिमेंट कार्बन तथा आयरन होता है, अतः ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, हेक्साब्लेड डैश के बने होते हैं? हेक्साब्लेड्स आर मेड ऑफ डैश। ऑप्शन है लो एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। हेक्साब्लेड लो एलॉय स्टील तथा हाई स्पीड स्टील दोनों मटेरियल को जरूरत अनुसार बनाए जाते हैं, अतः ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, माइल्ड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील? ऑप्शन है लेस देन 0.3%, लेस देन 2% बट मोर देन 0.3%, मोर देन 2% एंड नन ऑफ द अबव। माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज 0.15 से 0.25% तक होती है, अतः ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टील की सतह को सख्त किया जाता है, द प्रोसेस बाय विच द सर्फिस ऑफ स्टील इज हार्डेंड इज डैश। ऑप्शन है टैम्परिंग, एनीलिंग, एनोडाइजिंग
एंड केस हार्डनिंग। स्टील के सतह को केस हार्डनिंग द्वारा कठोर बनाया जाता है, अतः ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, एसएसएस में मिश्र धातु तत्वों के आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अनुपात है। कॉमनली यूज रेशियोज ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स इन एसएसएस आर, ऑप्शन है 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% वैनेडियम। ऑप्शन बी 18% क्रोमियम, 4% टंगस्टन एंड 1% वैनेडियम। ऑप्शन सी 18% वैनेडियम, 4% क्रोमियम एंड 1% टंगस्टन। एंड ऑप्शन डी है 18% कोबाल्ट, 4% क्रोमियम एंड 1% वैनेडियम। क्योंकि एचएसएस यानी हाई स्पीड स्टील का मुख्य एलिमेंट टंगस्टन होता है तथा 18% टंगस्टन अनुपात वाला एचएसएस आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, स्टील में कोबाल्ट की उपस्थिति से डैश इंप्रूव होता है। प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन स्टील इंप्रूव्स इट्स डैश। ऑप्शन है कटिंग एबिलिटी, कोरोशन रेजिस्टेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड नोन। जब हम किसी कोबाल्ट को स्टील में मिलाते हैं तो स्टील काफ़ी उच्च तापमान पर भी अपनी कठोरता बनाए रखता है, जो कटिंग टूल्स के कटिंग एबिलिटी के लिए काफ़ी सही होता है, अतः ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, सरफेस प्लेट डैश से बने होते हैं। सरफेस प्लेट इज मेड ऑफ डैश। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, क्वालिटी कास्ट आयरन, रबर मटेरियल एंड स्टील। सरफेस प्लेट को काफ़ी परिशुद्ध कास्ट आयरन से बनाया जाता है, अतः ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, एंगल प्लेट डैश से बने होते हैं। एंगल प्लेट इज मेड ऑफ डैश। ऑप्शन है स्टील, एलॉय स्टील, कास्ट आयरन एंड निकेल स्टील। एंगल प्लेट कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं, अतः ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, सेंटर पंच डैश का बना होता है। सेंटर पंच इज मेड ऑफ डैश। हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील एंड लो एलॉय कार्बन टूल स्टील आर ऑप्शन। सेंटर पंच का इस्तेमाल धातुओं पर परमानेंट मार्किंग के लिए होता है, इसलिए इसे हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, अतः ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेनलेस स्टील का प्रमुख मिश्र धातु तत्व क्या है। द प्रिंसिपल एलॉइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील इज डैश। ऑप्शन है मैग्नीज, क्रोमियम, सिलिकॉन एंड कार्बन। स्टेनलेस स्टील का मुख्य मिश्र धातु क्रोमियम होता है, जो इसे जंग से बचाता है, अतः ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, स्प्रिंग निम्न में से किसका बना होता है। स्प्रिंग इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है निकेल स्टील, क्रोमियम वैनेडियम स्टील, क्रोम निकेल स्टील एंड सिलिकॉन मैग्नीज स्टील। स्प्रिंग सिलिकॉन मैग्नीज स्टील का बना होता है, अतः ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, अस्थाई चुंबक निम्न में से किसका बना होता है। परमानेंट मैग्नेट इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है इनवार स्टील, सिलिकॉन एलॉय, निकेल स्टील एंड टंगस्टन स्टील। यहाँ ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, क्योंकि इनवार स्टील मैग्नेटिक फील्ड में उष्मा से फैलती नहीं एवं अपना स्ट्रेंथ भी बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस इलास्टिसिटी। ऑप्शन है इनवार स्टील, सिलिकॉन एलॉय, निकेल स्टील एवं टंगस्टन स्टील। यहाँ ऑप्शन बी सिलिकॉन एलॉय सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसमें एक्सपेंशन नहीं होता। ऑप्शन है इनवार स्टील, सिलिकॉन एलॉय, निकेल स्टील एवं टंगस्टन स्टील। हम पहले से जानते हैं कि इनवार स्टील में थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता है, अतः ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस एलॉय का जंग प्रतिरोधक क्षमता, हार्डनेस तथा टफनेस अधिक होता है। ऑप्शन है इनवार स्टील, सिलिकॉन एलॉय, निकेल स्टील तथा क्रोम स्टील। स्टील में क्रोमियम मिलाने से वह कोरोशन रेजिस्टेंस एवं हार्ड हो जाता है, अतः ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ने पर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या होता है। व्हाट हैपेंस टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील व्हेन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। ऑप्शन है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस अगेन डिक्रीजेस एंड डू नॉट चेंज। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाता है तो वह हार्ड होती चली जाती है तथा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे कास्ट नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कास्ट। ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, गन मेटल, रोट आयरन एंड कॉपर। हमें पता है कि रोट आयरन आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है तथा इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, इसलिए इसे पेस्ट फॉर्म में ही पीट पीट कर विभिन्न शेप दिया जाता है, ना कि कास्ट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे फोर्ज नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फोर्ज्ड। ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, गन मेटल, रोट आयरन एंड कास्ट आयरन। यहाँ हम देखते हैं कि कास्ट आयरन हार्ड एवं ब्रिटाइल होने की वजह से इसे फोर्ज नहीं किया जा सकता, अतः ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, स्टील में डैश शामिल है। स्टील कॉन्टेंट्स डैश। ऑप्शन है 80% और मोर आयरन, 50% और मोर आयरन, एलॉइंग एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, टंगस्टन, निकेल एंड कॉपर एंड ऑप्शन डी हाई क्वांटिटीज ऑफ सल्फर। इन सारे ऑप्शन में से सबसे सटीक ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टील का संक्षारण प्रतिरोध डैश के योग से बढ़ता है।
corrosion resistance of steel is increased by addition of tass. Options are chromium and nickel, sulfur, phosphorus and lead, vanadium and aluminium, tungsten, molybdenum and vanadium. क्रोमियम और निकेल ही है जो स्टील को क्रोशन रेजिस्टेंस बनाती है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कई प्रश्न का उत्तर आप पहले से जानते होंगे, है ना। नीचे कमेंट में बताएं कि कितने प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।